एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार शहर से लेकर गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद भी गांव में सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है। ग्रामीण आज भी सड़क बनने की बात जो रहे हैं। मामला जिले के चैनपुर अनुमंडल स्थित डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत के नया टाटी और पुराने टाटी गांव का ये पूरा मामला है, जहां प्रखंड मुख्यालय से गांव जाने तक के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीण खेत और डारी से होकर लोगों को जाना पड़ता है। बीमार मरीज को 2 किलोमीटर पैदल चलकर ले जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में प्रखंड मुख्यालय से गांव संपर्क टूट जाता है। वहीं सड़क नहीं रहने से अधिकारी गांव नहीं आते तो जनता अपनी समस्या को सुनाए तो किसे सुनाए, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि ये गांव कदावर नेता सांसद सुदर्शन भगत का अपना घर भी है। ये पूरा क्षेत्र नेताओं का गढ़ भी है, लेकिन गांव का विकास नहीं होना बड़ा सवाल है। वर्तमान विधायक भूषण तिर्की भी चुनाव के दौरान कई वादे किए, सरकार में आने के बाद गांव का विकास होगा, लेकिन विकास के दावे फेल हैं। टाटी गांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है, जिसमें लगभग 600 लोग हैं। अब गांव के लोग एकजुट होकर सड़क बनाने की बात कह रहे हैं। इधर मीडिया को मामले की जानकारी हुई तो गांव का दौरा किया, गांव के लोगों से मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने समस्या को बताया, जिसके बाद मामले को लेकर अधिकारी से जानकारी ली तो अधिकारी ने भरोसा दिलाया है, जल्द सड़क बनने की बात कही है। बहरहाल जो भी हो, नेताओं का गढ़ ये गांव सिर्फ वादे का विकास हुआ, जिससे गांव आज भी बदहाली में है। तस्वीर सरकार की करनी और कथनी की पोल खोल रही है। विकास के दावे की ये तस्वीर शासन और सुशासन की मुंह चढ़ा रही है। सरकार को सुध लेने की जरूरत है, नहीं तो गोलबंद जनता आंदोलन करने के मूड में है। नहीं है, यहाँ डिलीवरी होते हैं तो कुछ बीमार हो जाते हैं, तो लेने आने के लिए भी रोड भी नहीं है अच्छा से, इसलिए बहुत तकलीफ है। और इधर गांव तरफ भी रोड भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, पानी लेने के लिए बहुत तकलीफ है। लेने के लिए तो बहुत तकलीफ हो जाता है हम लोग के लिए। कैसे ले जाते हैं? तो लेने के लिए तो यहाँ से टेम्पू सब होते हैं, तो कैसे ये करते हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलता है, हम लोग के लिए बहुत तकलीफ होती है। रोडे नहीं है तो कैसे लेने के लिए सकता है? हाँ, तो हो जाता है, जान सब चल जाता है ना, लेने के लिए बहुत तकलीफ होता है इधर से लेने के लिए। नटावल होते होते तो इधर ये हॉस्पिटल लेने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, दुर्घटना भी हो सकता है। हाँ, हो जाता है कभी कभी। जाना पड़ता है, कितना किराया लगता है? किराया तो बस का सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग तो ऑटो वाला लोग ले लेता है 20 रुपया ज्यादा लेता है, ज्यादा लेता है ऑटो वाला लोग, कभी कभी 20 से ज्यादा भी ले लेता है, मन मर्जी लोग ऑटो वाला लोग ले लेता है रोड नहीं रहने के कारण। क्या नाम है आपका? मनोज तिर्की। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम बलाशीष तिर्की है, मैं 63 साल का बुढ़ा हूँ। जब से मैं जन्मा, ये अप्रोच रोड मेन रोड से नहीं है, और हम लोगों को आने जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को यहाँ से नाटावल होके 3 किलोमीटर और नाटावल से एकम्बा मोड़, जो कि यहाँ 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से हम लोग संपर्क कर सकते हैं, वो सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मैं टाटी, नया टाटी से एकम्बा मोड़ वहाँ तक विलेज अप्रोच रोड चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को टाटी से एकम्बा मोड़ तक विलेज अप्रोच रोड चाहिए। मान के उस समय तो क्या करेंगे कि जैसे सरकार की सुविधा हो इसे चले, लेकिन हम लोग की मांग है कि हम लोग को विलेज बढ़िया, हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं कि हम लोग को रोड चाहिए। अगर सरकार सुनवाई नहीं करेंगे, नहीं करेगी, तो हम लोग क्या खेती में ही जो चलेंगे। हाँ, आंदोलन। क्या नाम है आपका? बलाशीष तिर्की। सड़क नहीं है, जिसके कारण हम लोग को जाने में बहुत सारे समस्या होती है। जैसे कोई भी सीरियस हो गया या डिलीवरी केस हुआ, उसके लिए हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा कुछ किसी को सीरियस हो जाएगा तो हम लोग को घूमने तक में हम लोग को कुछ भी हादसा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग को सड़क चाहिए।
और इसको मतलब क्लियर कर देना चाहिए इस सड़क को, ये समस्या है। अभी फिलहाल नटावल तरफ से घूम के जाते हैं, नटावल जाने के लिए हम लोग को 3 किलोमीटर घूमने 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है या 5 किलोमीटर डुमरी जाने के लिए, और उसमें मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर घूमना पड़ता है, जिसमें हम लोग 1 किलोमीटर में ही अंदर में ही हम लोग पहुँच जाते, वो समस्या है। अधिकारी का गाड़ी भी नहीं आता है और हम लोग को जाने में भी बहुत सारा समस्या है। ये मतलब बहुत पहले से चल रहा है, यही मतलब रोड नहीं क्लियर हुआ है। हाँ मतलब बना ही है, रोड बना ही नहीं है यहाँ पर, उसके बाद रोड बना ही नहीं है, आज़ादी के बाद नहीं बना है, नहीं बना है। क्या नाम है? सैमन टोपो। गांव भी ये डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है और गुमला मुख्यालय से इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है, इसमें हम लोगों के द्वारा आरईओ डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप उस गांव का सर्वे करें और प्राकलन तैयार करके अपने विभाग को भेजें और स्वीकृत कराएं ताकि वहां पर सड़क बन जाए। उसी तरह एक्सिक्यूटिव इंजीनियर बिजली को भी बताया गया है कि वहां पर बिजली देने का उपाय आप तुरंत लगावें और बिजली भेजें। और पेयजल की समस्या जहाँ तक है उसको तो हम लोगों के द्वारा ही दूर कर लिया जाएगा, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।